गुड मॉर्निंग एवरीवन. सो टुडे वी विल लर्न अबाउट योर एमएस एक्सेल एंड इन दैट एमएस एक्सेल वी लर्न द डेटाबेस, हाउ टू क्रिएट अ डेटाबेस इन योर एमएस एक्सेल. ओके, सो यू लर्न इट्स अ प्रैक्टिकली. आई शो यू अ प्रैक्टिकल. ओके, सो जस्ट अ मिनट, आई शेयर माय कंप्यूटर स्क्रीन. Okay, so first, what is a database? A database is a collection of information related to the particular subject. Means you are maintaining addresses and phone numbers, a list of library books, keeping students' records, you are pertaining to academic and co-curricular achievements. Okay. You are keeping employees information, etc. That is your data. So it helps to the user to organize, retrieve, sort and edit data as per your requirements. अपने requirement के हिसाब से हम लोग इस data को modify कर सकते. Okay, database consists of your fields and the record. डेटाबेस में क्या होता है, योर फील्ड्स एंड रिकॉर्ड्स. ओके, सो योर फील्ड मींस अ कॉलम विथ अ डेटाबेस दैट कंटेन्स ओनली वन टाइप ऑफ डेटा इज कॉल्ड अ फील्ड. यस, फील्ड मींस क्या, अ कॉलम विथ इन अ डेटाबेस दैट कंटेन्स ओनली वन टाइप ऑफ डेटा इज कॉल्ड अ field. It's for example, it's a roll number. If you are अगर आपने table में roll number का column किया है, means roll number क्या है, it's a one field. Like your roll number, name, addresses are different fields. Okay, your record, a row in a database is called a record. A row in a database is called a record. So जो data हम लोग एंटर इंसर्ट करते हैं हमारे टेबल में, दैट इज द यूअर रिकॉर्ड. ओके, सो वेट, मैं एक्सेल शीट ओपन कर रही हूं. वेट, एक्सेल इज ओपन. सो नाउ आई टेक वन ब्लैंक वर्कबुक. ओके, now see here, I make here one table, roll number, your name. Now I write here English. हमें अगर कोई subject के marks enter करने हैं, maths, your Marathi, हिंदी और योर एसिस मींस योर सोशल साइंस. ओके, नाउ सो जो ये रोल नंबर, नेम, इंग्लिश, ये जो मैंने लिखा है दैट इज द फील्ड. ये सब क्या है, हमारे फील्ड से. मींस रोल नंबर वन फील्ड है, नेम वन फील्ड है, इंग्लिश वन फील्ड है. ओके, दैट इज द डिफरेंट फील्ड्स. और यहाँ पे जो हम एंट्रीज करेंगे, वन किसी स्टूडेंट्स का नाम हमने यहाँ पे एंटर किया है. ओके, तो ये जो डेटा हम लोग एंटर कर रहे हैं दैट इज द रिकॉर्ड. ये क्या है, अपना रिकॉर्ड है. जो डेटा हम लोग इंसर्ट करेंगे हमारे टेबल में और इन अ रो में, सो अ रो इन अ डेटाबेस इज कॉल्ड अ रिकॉर्ड. ओके, सो ये क्या है, हमारा रिकॉर्ड है. और अभी अभी समझो हम लोग, हमें आउट ऑफ 50 मार्क्स देने हैं, तो आउट ऑफ 50 किस मार्क्स एंटर किए, ओके, सो ये मैंने रिकॉर्ड इंसर्ट किया. अभी वन रिकॉर्ड इंसर्ट किया, दैट इज इट्स अ मीन दिस इज द योर रिकॉर्ड. ओके, एंड योर फील्ड नेम.
सो इट इज अ कॉलम लेबल फॉर द फील्ड इन अ डेटाबेस. मीन्स ये जो नेम हमने लिखा है, रोल नंबर, नेम, इंग्लिश, दैट इज द योर फील्ड नेम. ऑल द फील्ड नेम्स अपीयर इन अ वन रो. ऑल फील्ड नेम्स कहाँ पे अपीयर होता है? ओनली वन, इन अ वन रो में. ओके, फॉर एग्जाम्पल योर रोल नंबर, योर नेम, योर जो मैंने अभी सब्जेक्ट के नेम्स टाइप किए, इंग्लिश, मैथ्स, मराठी, हिंदी, दैट दिस इज, ये क्या है हमारा फील्ड नेम है. दिस इज द योर फील्ड नेम. ओके, सो नाउ हमें डेटाबेस क्रिएट करना है, तो यूजिंग अ फॉर्म टू एंटर डेटा. हमें फॉर्म एंटर कर, फॉर्म यूज करके डेटा एंटर करना है. अभी मैंने ये डायरेक्टली डेटा एंटर किया है, मैं भी इसे डिलीट करूं. हमें क्या करना है? फॉर्म का यूज करके डेटा एंटर करना है. सो व्हाट इज द फॉर्म? अ फॉर्म इज अ डायलॉग बॉक्स दैट प्रोवाइड्स एन इजी वे टू एंटर और डिस्प्ले अ कंप्लीट रो ऑफ इंफॉर्मेशन और योर रिकॉर्ड. ओके, इट हैज अ टेक्स्ट बॉक्सेस टू एंटर डेटा इन योर फील्ड्स एंड कमांड बटन्स to manipulate the data. Okay, but hame first hame data enter karne ke pehle, record enter karne ke pehle in the form mein hame hamare field names ko, field names enter karke rakhna hai. Means hamare jo table hai, jo column hai, usko heading deke rakhna hai. Means your, this is your field names. Aise field names hame enter karke rakhna hai. ओके, एंड हम इसमें डेटा ऐड भी कर सकते हैं, इसको चेंज भी कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं यूजिंग योर फॉर्म. सो नाउ हाउ टू यूज योर फॉर्म? सो नाउ लुक एट द स्टेप्स. जो जो स्टेप मैं करूंगी अभी, आप लोग एक एक स्टेप वन बाय वन देखो. ओके, सो हमारे एक्सेल में क्या है, फॉर्म्स हिडन है, हम लोग फॉर्म को नहीं देख सकते. तो फाइंड, हमें फॉर्म फाइंड करने के लिए हमारे क्या स्टेप्स है? लुक एट, यू क्लिक ऑन फर्स्ट योर ऑफिस बटन, मींस योर फाइल बटन. ओके, इसमें हमें कहां जाना है? हमारे ऑप्शंस में. ओके, ऑप्शंस में जाने के बाद ये वन डायलॉग बॉक्स ओपन होगा. देन इस ऑप्शन के बाद हमें क्या क्या करना है? कस्टमाइज रिबन. जो ये कस्टमाइज रिबन टैब है, यू क्लिक ऑन द हियर. ओके, नाउ यहाँ पे सी, ये कस्टमाइज द रिबन का ऑप्शन ओपन हुआ है. नाउ हियर लुक एट द हियर, चूज कमांड्स फ्रॉम ऑप्शन है. Choose commands from, यहाँ पे क्या है? First popular commands. अभी हमें क्या select करना है यहाँ पे? Commands not in the ribbon. क्या select करना है? Commands not in the ribbon. Okay. Now इसमें हमें search करना है form. अभी ये मिला हमें form. Okay. इसे हम लोग ऐड करेंगे तो ये ऐड हो जाएगा यहाँ पे. ओके, तो उसके पहले हम क्या करेंगे? हमें कहाँ ऐड करना है फॉर्म? हमारे डेटा में. तो डेटा के यहाँ यू आर मेक अ वन न्यू ग्रुप. ओके, यहाँ पे मैंने वन न्यू ग्रुप ऐड किया. इस ग्रुप को मैं रीनेम कर रही हूँ डेटा फॉर्म से. ओके, मैंने इसे रीनेम किया डेटा फॉर्म. अगर आपको यहाँ से कोई सिंबल चाहिए, आप यहाँ से ले सकते हो कोई भी वन सिंबल. यस, बहुत सारे सिंबल्स. इफ यू क्लिक ऑन ओके, सो ये न्यू ग्रुप ऑप्शन का क्या होगा? चेंज क्या हो जाएगा? नेम चेंज हो गया. ओके, नाउ यू एड अ फॉर्म. फॉर्म को हम एड करेंगे. यहाँ पे ऐड हो गया डेटा फॉर्म. ओके,
देन इसके बाद हमें क्या करना है, क्लिक ऑन ओके बटन, क्या करना है, क्लिक ऑन द ओके. ओके नाउ योर फॉर्म ऑप्शन इज अप्लाइड ऑन योर क्विक एक्सेस टूल बार. नाउ देखो ये क्विक एक्सेस टूल बार नीचे है, रिबन के नीचे है. वेट अबाउ, अभी अपना क्विक एक्सेस टूल बार कहाँ होता है, रिबन के अबाउ होता है. बट मैंने, अगर मुझे ये कमांड्स बार बार यूज करनी है, सो मैंने क्या किया, इसे इस रिबन को बिलो द रिबन में कन्वर्ट कर दिया. मीन्स ये हमें टूल बार कहाँ पे दिखेगा, अपने रिबन के डाउन में. ओके और ये जो सिंबल है दैट इज द यूअर फॉर्म, ये क्या है, हमारा फॉर्म का सिंबल है. और ये हमने किस में रखा था, किस में किया था, हमारे डेटा में. सो इफ यू आर क्लिक ऑन योर डेटा ऑप्शन, डेटा ऑप्शन में ये देखो लास्ट में हमारा फॉर्म है, डेटा फॉर्म करके. अभी ये ऑलरेडी मैंने वन डेटा फॉर्म क्रिएट किया था, अभी मैंने वन क्रिएट किया, इसे वो दो दो दिखा रहा है. ओके जो ये लास्ट वाला है ये अपना डेटा फॉर्म है. यस सो अभी इस फॉर्म में एंटर करने के लिए, अभी देखो मैं क्या हुआ, मैंने इस फॉर्म के ऊपर क्लिक किया, समझो आप यहां से क्लिक करो और यू यूज योर क्विक एक्सेस टूल बार. ओके फर्स्ट क्या करना है, इसमें जाके हम लोग फर्स्ट वन स्टेप बाकी रह गया हमारा. फर्स्ट इंसर्ट में जाओ, यहाँ पे टेबल ऑप्शन है, टेबल में जाके हमें क्रिएट टेबल का, इट्स माय टेबल हैज अ हेडर्स, क्लिक करके ओके करना है. ओके नाउ ये हो गया हमारा टेबल. नाउ हम इसमें, अगर हमें इसमें डेटा एंटर करना है तो हम लोग डेटा कैसे एंटर करेंगे, यू क्लिक ऑन हियर. वेट मैंने मेरा ओके वेट, क्या अभी क्या हुआ था, समझ में आया क्या, मेरा सेल मैंने कौन सा सिलेक्ट किया था, ये वाला सेल सिलेक्ट हुआ था. तो मैंने अगर डेटा फॉर्म के ऊपर क्लिक किया तो वो हमें शो नहीं करेगा डायलॉग बॉक्स, वो क्या मैसेज दे रहा है, वी कुडंट डू दिस फॉर द सिलेक्टेड रेंज ऑफ सेल्स, यू सिलेक्ट अ सिंगल सेल विद द रेंज ऑफ डेटा एंड देन ट्राई अगेन. मीन्स क्या है, हमें क्या करना है, हमें फर्स्ट कोई भी वन सेल यहाँ से सिलेक्ट करना है, उसके बाद ही वो हमें क्या करेगा, डेटा शो करेगा. देखो अभी अगर मैंने सेकेंड सेल भी सेल किया तो भी वो शो नहीं कर रहा है. हमें फील्ड नेम के नीचे वाला ही सेल सिलेक्ट करना है और डेटा फॉर्म पे क्लिक करना है. अभी मैं यहाँ पे एंटर करूंगी, मैंने एंटर किया, अभी समझो मैं नेम एंटर कर रही हूँ, अभी हमें समझो आउट ऑफ 50 में से मार्क्स देने हैं. वेट मैंने टैब के जगह, अभी देखो मिस्टेक हो गया, बाय मिस्टेकली ये क्या हुआ, नीचे आ गया 48, तो हम लोग इसे डिलीट भी कर सकते. ओके फाइंड प्रीवियस, तो हम लोग इसे डिलीट कर सकते. ओके हो गया, ये डिलीट हो गया. हम क्राइटेरिया में जाके हमारा जो होल डेटा है वो डेटा भी हम लोग क्लियर कर सकते हैं. ओके फॉर्म को रिस्टोर कर सकते हैं, फाइंड प्रीवियस, फाइंड नेक्स्ट कर सकते हैं. अपना होल जो डेटा है वो डेटा हमें अगर रिमूव करना है, सी डिस्प्ले द रिकॉर्ड, योर डिलीट हो गया वन. नाउ मैं यहाँ पे टाइप कर रही हूँ, समझो 48. सी अभी नेक्स्ट सेल में जाने के लिए हमें क्या प्रेस करना है, कीबोर्ड से टैब की, एंटर की करोगे तो वो एंटर की अपने ये जो राइट हैंड साइड के जो ऑप्शन से वहां पे चला जाता है. आपको क्या करना है,
टैब की प्रेस करनी है. ओके ओके नाउ ये वन रिकॉर्ड मैंने ऐड किया. इफ आई क्लिक हियर न्यू, ओके वन रिकॉर्ड और आ गया. मैंने अभी इस टेबल में ऐड किया था क्या? नहीं, मैंने कहाँ एंटर किया था? अपने इट्स अ फॉर्म में. दिस इज द योर शीट वन फॉर्म, इसमें मैंने ऐड किया. तो ऐसे हम लोग बहुत सारा डेटा जो फॉर्म है वो यहाँ पे एंटर कर सकते हैं यूजिंग योर फॉर्म, फॉर्म यूज करके हम लोग का हमारा जो डेटा है वो एंटर करते. ओके अभी दो डेटा एंटर हो गया अपना. सी थ्री डेटा एंटर हुए हम लोग, समझो मिनिमम 5 रिकॉर्ड्स ऐड करते. One next your 5. Okay. Now मेरे 5 data entry कर दिए. If I close here, so see this is the my one table, मेरा one database क्या हुआ? Create हुआ. ओके ये क्या हुआ अभी? वन डेटाबेस क्रिएट हुआ है. हम लोग यहाँ से अपना जो कोई डेटा डिलीट करना है तो आप डिलीट कर सकते हो, इसे रीनेम करना है रीनेम कर सकते हो, इसमें कुछ चेंजेस करना है तो हम लोग चेंजेस भी कर सकते हैं. अभी देखो ये जो डेटा हमने एंटर किया है ये अल्फाबेटिकली ऑर्डर नहीं है. अगर हमें ये अल्फाबेटिकली ऑर्डर में करना होगा सो हमें क्या करना होगा? यार गो इन योर डेटा मेनू. इन दैट डेटा मेनू देखो यहाँ पे सॉर्ट ऑप्शन लिखा है. इफ यू क्लिक ऑन द सॉर्ट सो यर वन डायलॉग बॉक्स इज अपीयर हियर. सी वो मैं पूछ रहा है सॉर्ट बाय, कैसे सॉर्ट करना है, नेम से रोल नंबर से या कैसे? इफ आई सिलेक्ट योर नेम एंड देन आई क्लिक ऑन योर ओके तो मेरा डेटा जो है वो अल्फाबेटिकली ऑर्डर में चेंज हो जाएगा. ये नंबर्स भी अपने चेंज हो गए, रोल नंबर्स भी, जो रोल नंबर जिसका था उसे आया. यस जिसका रोल नंबर था उसे वो रोल नंबर आया. ओके दिस इज द योर सॉर्ट ऑप्शन. ये क्या है अपना सॉर्ट ऑप्शन. और सी ये दिस एरो इट्स योर फिल्टर ऑप्शन. ओके यहाँ से हम लोग फिल्टर कर सकते हैं. जैसे मैंने आपको अभी बताया था, अभी देखो समझो इस फिल्टर में मैंने टेक्स्ट फिल्टर यूज किया बिगिंस विथ. अभी मैं यहाँ पे बिगिंस विथ में ए लेटर टाइप कर रही हूँ और ओके प्रेस कर रही हूँ तो हमारे टेबल में क्या होगा? जो डेटा जिस डेटा का ए से स्टार्ट होने वाला डेटा है वही डेटा वो शो करेगा. यस ए से स्टार्ट होने वाला जो डेटा है वही वो शो करेगा. व्हाई? बिकॉज आई यूज अ फिल्टर. मैंने क्या किया? फिल्टर ऑप्शन यूज किया. इफ यू वांट टू क्लियर द फिल्टर, फिल्टर क्लियर हो सकता है. ओके मैंने फिल्टर को क्लियर कर दिया. सो दिस इज द योर सॉर्ट एंड फिल्टर ऑप्शन. ये क्या है अपना सॉर्ट एंड फिल्टर ऑप्शन. ओके ये हमने लास्ट लेक्चर में फिल्टर
सीखा था. यस ओके. सो दिस इज अबाउट योर डेटा डेटाबेस. दिस इज अ योर डेटाबेस हाउ टू क्रिएट योर वन फॉर्म इन योर वर्कशीट इन योर एमएस एक्सेल. ओके नाउ व्हाट इज द डेटा वैलिडेशन. अभी डेटा वैलिडेशन क्या है. डेटा वैलिडेशन इज यूज टू रिस्ट्रिक्ट द सेल एंट्रीज विथ अ स्पेसिफाइड रेंज. अभी देखो समझो मैं यहाँ पे वन टेबल क्रिएट कर रही हूँ होल नंबर. अभी मैं मेंशन कर रही हूँ यहाँ पे होल नंबर. सी मैंने इस सेल को फील्ड नेम दिया होल नंबर. मुझे इसमें सिर्फ नंबर इंसर्ट करना है. अभी मैं इतने कॉलम्स मैंने सिलेक्ट किए. आई गो ऑन अ डेटा वैलिडेशन ऑप्शन. आई क्लिक ऑन हियर डेटा वैलिडेशन. वन डायलॉग बॉक्स इज अपीयर डेटा वैलिडेशन का. सो अभी मैं एनी वैल्यू है यहाँ पे मैं क्लिक करूंगी एनी वैल्यू पे. तो यहाँ पे देखो होल नंबर डेसिमल लिस्ट डेट टाइम टेक्स्ट लेंथ योर कस्टम ये सब ऑप्शन आएंगे. तो यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया होल नंबर. अभी इसमें क्या आया डेटा बिटवीन. यहाँ पे क्या है बिटवीन लिखा है. यहाँ पे भी बहुत सारे ऑप्शन है. आप इसमें से भी कोई सिलेक्ट कर सकते हो बिटवीन नॉट बिटवीन इक्वल टू नॉट इक्वल टू. ओके मैंने बिटवीन सिलेक्ट किया. मैं यहाँ पे मिनिमम नंबर रख रही हूँ 10 और मैक्सिमम नंबर रख रही हूँ 50. देन आई क्लिक ऑन द ओके. सो नाउ सी मैंने इतने सेल सिलेक्ट किए थे. अभी अगर ये फर्स्ट सेल में मैं 10 एंटर कर रही हूँ तो वो सेल 10 एंटर करके लेगा. इफ आई मैं 10 से कम वाला नंबर मैं अगर एंटर करने जाऊंगी तो वो एंटर नहीं होगा. दे आर शो द एरर. सी डायलॉग बॉक्स वन इज अपीयर द वैल्यू एंटर्ड इज नॉट वैल्यूड. व्हाई मैंने क्या किया इस सेल को रेस्ट्रिक्ट किया है. मैंने रेस्ट्रिक्ट किया इस सेल को इसलिए वो 5 एंटर नहीं होगा. अगर मैंने 50 एंटर किया तो 50 एंटर होगा. बट 50 के अबाव का भी अगर नंबर में एंटर करने जाऊंगी तो वो एंटर नहीं होगा. सेम मैसेज विल मींस मैंने क्या रखा था वहां पे रेंज बिटवीन 10 के बिटवीन 10 और 50 के बिटवीन के नंबर्स. सो वो 10 के नीचे वाला नंबर्स भी नहीं लेगा और 50 के अबाव वाला नंबर्स भी नहीं लेगा. ओके सो दिस इज द योर डेटा वैलिडेशन. और इस डेटा वैलिडेशन में यहाँ पे जो ऑप्शन है योर डेसिमल लिस्ट डेट टाइम टेक्स्ट लेंथ कस्टम इन सब के लिए आप अपने सेल्स को वैलिडेशन रख सकते हो. यस हमारे टेबल को वैलिडेशन रख सकते हो. अभी समझो अभी ये वन टेबल आपने ऐड किया है तो अगर इसका हमें चार्ट क्रिएट करना है. हमें अगर इसका चार्ट बनाना है ओके तो चार्ट के लिए आपको पता है 2 एरो चाहिए एक्स एक्सिस वाई एक्सिस. यस सो चार्ट कैसे करोगे. यू गो ऑन इंसर्ट टैब. इंसर्ट टैब में सी ये बहुत सारे चार्ट्स हैं. चार्ट्स टूल्स है सब. इसमें से आप कोई भी वन चार्ट सिलेक्ट कर सकते हो 2D 3D कॉलम सी शो हो रहा है. जो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर रही हूँ नीचे हमारे स्क्रीन पे ऊपर हमें चार्ट शो हो रहा है. ओके सो यहाँ से हम लोग चार्ट्स ऐड कर सकते हो चार्ट लेआउट्स में से. सी पाइवोट चार्ट भी हम लोग ऐड कर सकते हैं. ओके See, this is the your pivot chart. Okay, see, मैंने name से select किया. मैं insert में जा रही हूँ. मैंने अगर यहाँ से see समझो circle का कोई one
चार्ट सिलेक्ट किया तो देखो ये वन ये चार्ट क्रिएट हुआ। सी ब्लू नंबर का क्या कौन है, ब्लू कलर का आदित्य, 4 सी दिस वन अश्मि, ये मार्क्स के हिसाब से उसका चार्ट क्रिएट हुआ है। सेम हम लोग ऐसे भी चार्ट बना सकते हैं, ओके okay, इसमें वो हमारे एक्स एंड वाई एक्सिस पे मार्क्स भी डिस्प्ले हो रहा है, यहाँ पे नेम्स भी डिस्प्ले हो रहे हैं। सो ऐसे हम लोग हमारे एक्सेल में चार्ट अलसो ऐड कर सकते हो। चार्ट्स के लिए भी बहुत सारे ऑप्शन है, देखो योर लाइक दिस वन योर सर्कल ट्राइंगल शेप। यस सो यू ऑल अंडरस्टैंड स्टिल हियर। सी हम लोग इसमें से इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। यस जो आपको लाइंस चाहिए तो हम लाइंस का टेबल ले सकते हैं, पाई चाहिए पाई, योर बार ऑप्शन, सी मेनी ऑप्शन इज देयर। यस दिस इज द योर चार्ट एरिया। चार्ट एरिया में क्या इंक्लूड होता है, योर ऑल द एरिया एंड द ऑब्जेक्ट्स इन योर चार्ट। ओके टू एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस इज द हॉरिजॉन्टल एक्सिस ऑफ अ चार्ट। ओके योर वैल्यू एक्सिस मीन्स योर वाई एक्सिस, दैट इज द योर वर्टिकल एक्सिस। यस मीन्स दिस इज द योर एक्स एक्सिस एंड दिस इज योर वाई एक्सिस। ओके एंड You are a data series means जो data हमारे table में enter है, that is these are the bars, slices or other elements the presented the your data values. जो ये bar show हो रहा है, that is your data. Okay, यहाँ पे हमारा category name display होता है, this is the your category names. Okay. And this is your plot area. ये कौन सा area है अपना, plot area. Okay. I hope you all understand till here.